गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ महिमा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। एज मैंने सोचा कि काफ़ी लोग हैं जो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो अपने प्रेगनेंसी टाइम में होते हैं और अपने बेबी के लिए सामान ढूंढ रहे होते हैं या उनको क्या हॉस्पिटल बैग में पैक करना होता है फॉर द मदर एंड द बेबी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ क्विकली कि हम लोग को हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए क्या पैक करना होता है और कितना क्वांटिटी में पैक करना होता है। बिकॉज मैंने भी अपना, मेरा ऑलमोस्ट अभी 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारे वीडियोस चेक किए और बहुत सारे वीडियोस से मुझे यही समझ आया कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है या वो सिजेरियन भी है, सो फॉर 2 or 3 days हमें कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी चाहिए होगा। सो आई विल स्टार्ट विद स्वेडल रैप। सो मैंने अपने साथ में 2 स्वेडल रैप रखे हैं। सो स्वेडल रैप वुड बी लाइक दिस। और ये स्वेडल रैप्स मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है। इफ यू कैन सी, ये स्वेडल रैप मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसको आप बेबी को जैसे भी आप कपड़े पहना के एक फर्स्ट क्लोथ रैप करना जो होता है बेबी को, कपड़े में बंद करना होता है, ये वो कपड़ा होता है। सो मैंने 4 ऑर्डर किए थे बट मैं अपने बैग में 2 ही रख रही हूँ। इसके बाद आपका आता है क्लोथ्स। दिस इज द फर्स्ट ड्रेस एंड दीज आर दी अनदर वनजीज जो मैंने रखे हैं। और ये फुल वनजीज हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट डे का ड्रेस। एंड ये वनजीज हैं जो मैंने रखे हैं, इसमें आई थिंक ये मैंने 2 रखा है, 2 वनजीज 3 वनजीज है एक्चुअली। ये जो डायपर के नीचे से बटन अप हो जाता है, बंद हो जाता है, इसके लिए लेग्स में नीचे स्पेस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 पजामी रखी हैं साथ में, कि अगर हम वो फुल रोमपर नहीं पहनाना चाहते हॉस्पिटल में तो हम ये पहनाकर नीचे पजामी पहना सकते हैं, नहीं तो पजामी हम छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने 3 पजामी और 3 वनजीज रखे हैं हाफ। उसके बाद मैंने कैप्स का सेट रखा है जो आपको चाहिए ही होगा, चाहे आपका बेबी विंटर्स में हो रहा है या समर्स में हो रहा है। तो मैंने ये कैप का जो सेट रखा है, मैंने 2 ही सेट मंगाया था फर्स्ट प्राइस से। इस कैप्स के साथ मिटन्स हैं जो बेबी के हाथ में बंद करते हैं और इसके साथ सॉक्स है, पेयर ऑफ सॉक्स है। तो इसमें आपको 2 का पूरा सेट हो गया, कैप का, मिटन्स का और सॉक्स का। सो ये सारे जो भी मैंने कपड़े मंगाए हैं वो सब फर्स्ट क्राई का प्रोडक्ट है और ये बहुत सॉफ्ट है। आप अनडाउटेडली आप इसको मंगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े हैं और बेबी की स्किन के लिए ये अच्छा रहेगा। ओके, सो मैंने ये 2 सेट मंगाए थे और मैंने 2 ही हॉस्पिटल बैग में रख दिया है। उसके बाद मैंने वेस्ट मंगाया था, जो बोलते हैं कि बेबी को जो भी फर्स्ट क्लोथ पहनाते हैं, फर्स्ट क्लोथ में सबसे पहले उसके नीचे बॉडी पे कॉटन लेयर पतला सा होना चाहिए, देन आप कोई भी कपड़ा पहनाओ और फिर आप उसको ऊपर से रैप कर दो। तो जो फर्स्ट एक अंडर शर्ट या अंडर वेस्ट या कुछ भी आप कह सकते हो, तो वो मैंने ये मंगाया था। ये 4 का सेट आया था बट मैंने अपने मैंने हॉस्पिटल बैग में सिर्फ 3 ही पैक किया है, क्योंकि जनरली 1 दिन के लिए 1 ही आई थिंक सफिशिएंट रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा है तो अगर आपका घर आसपास है तो आप हॉस्पिटल से आसपास है तो आप बाकी सामान वहाँ से भी मंगा सकते हैं। सो मैंने सिर्फ 3 ही पैक किया है अपने हॉस्पिटल बैग में। इसके बाद है डाइपर। सो डाइपर्स मैंने पैम्पर्स का ये पैक लिया है जिसमें आपके पास 24 डाइपर्स होते हैं। 24 डाइपर्स से छोटा पैक मुझे नहीं मिल रहा था। इनिशियली हमें नहीं पता होता कि बेबी को कौन सा डाइपर या क्या प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी स्किन को। हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदना है। सो इट्स बेस्ट कि आपके पास अगर और छोटा क्वांटिटी है तो आप उससे अवेलेबल है तो आप वो खरीदें और उसको यूज़ करो स्टार्टिंग में।
सो आई केप दिस डाइपर, ये मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रखा है. देन मैंने डाइपर रैश क्रीम रखा है बेबी के लिए, जो मैंने हिमालय का लिया है, जो ये है डाइपर रैश क्रीम. और ये भी मेरे आई थिंक दिस इज दिस इज 50 grams. ये मैंने सबसे छोटा पैकिंग लिया है क्योंकि अगेन सेम रीजन कि हमें नहीं पता कि बेबी को कौन सा प्रोडक्ट उस टाइम सूट करेगा या नहीं करेगा. सो अगर हॉस्पिटल में बेसिकली वहाँ पे जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो बेबी को डायपर ही पहनाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डायपर रैश क्रीम हिमालय का वहाँ पर रख के ले जाएं अपने बैग में. सो मैंने ये एक डायपर रैश क्रीम रखा है छोटा वाला. देन मैंने वेट वाइप्स रखा है जिससे कि बेबी को अगर बॉडी हल्का फुल्का फेस या हैंड्स क्लीन करना है या वो यूरिन करता है या डायपर चेंज करने के बाद हम लोग को वाइप करना रहता है, तो ये मैंने मीमी का वेट वाइप्स ऑर्डर किया था. तो इसमें एक पैक में 72 शीट्स हैं. सो मुझे लगा कि एक पैकेट सफिशिएंट है, तो मैं एक ही पैकेट अपने साथ हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ. उसके बाद मैंने लिया है लंगोट्स, दैट इज नैपी. नैपीज आपको अराउंड 15 to 20 अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप नैपी यूज कर रहे हो तो बेबी बहुत जल्दी जल्दी यूरिन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग नैपीज भी जल्दी जल्दी बदलना रहेगा. तो उसके लिए आप मैंने नैपीज रखा है. ये मैंने नैपी ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से. मेरा मैक्सिमम जो सारा स्टॉक है वो जितना भी मैंने शॉपिंग किया बेबी का कपड़े से रिलेटेड वो सब फर्स्ट क्राई से किया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक बार मंगा के देखा था और देन मुझे जब क्वालिटी पे ट्रस्ट हो गया कि हाँ बेबी के लिए सॉफ्ट रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा, देन ओनली मैंने बाकी सब सामान मंगाया है. तो नैपीज मैंने 16 और 17 नैपीज रखा है, तो आप अकॉर्डिंगली 15 to 20 के बीच में रख सकते हैं. उसके बाद मैंने एक टॉवल रखा है, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगाया था. आई एम सॉरी कि मैं आपको ये खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सब कुछ वॉश करके, एज आई एम इन माई 9 month, मैंने सब कुछ वॉश करके, धूप लगाकर, सब सैनिटाइज अच्छे से करके मैंने पैक कर दिया है फाइनली अपना बैग. सो मैं भी नहीं चाहती कि मैं भी इसको बार बार टच करूँ. सो ये मैंने टॉवल मंगाया है, ये भी फर्स्ट क्राई से मंगाया था. ये मैंने दो का सेट मंगाया था, बट मैं अपने बैग में एक ही रख रही हूँ हॉस्पिटल बैग में, तो एक ही आई थिंक सफिशियंट रहता है बेबी के लिए. देन मैंने ऑर्डर किया था फेस हैंकीज. जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो फीडिंग के बाद वो बर्प करता है या उसके फेस मुंह से कुछ मिल्क बाहर आ जाता है, या थ्रू बोल एंड स्पून भी अगर आप फीड करा रहे हैं इन केस ऑफ एनीथिंग, तो आपको कुछ छोटे छोटे हैंकी उसका फेस क्लीन करने के लिए अपने साथ रखने होंगे, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी. सो मैंने ये आठ हैंकी आए थे, 8 हैंकी इसका पैक था, तो ये मैंने 8ों हैंकी का पैक अपना हॉस्पिटल बैग में रख लिया है, क्योंकि ये चाहिए होगा और ये बार बार जल्दी जल्दी गंदा होता रहेगा. उसके बाद आप एक बोल और स्पून अपने साथ ज़रूर रखें, वो मैंने अभी नहीं रखा है. बोल और स्पून इसलिए क्योंकि इनिशियली नहीं पता होता कि आप खुद से फीड करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं. सो इट्स बेटर आप एक बोल और स्पून अपने हॉस्पिटल बैग में रखें, बेबी बैग में, ताकि अगर उसको फॉर्मुलेटेड मिल्क देना पड़ रहा है तो आप वो बोल और स्पून यूज कर सकते हैं. देन मैंने ये बिब्स का सेट मंगाया था, ये 5 बिब्स का सेट था और मैंने 5ों रख लिए हैं. ये बिब्स का सेट था, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था. ये 5ों मैंने रख लिए हैं इनकेस आप कुछ भी बेबी को, वही अगेन है बोल और स्पून से आप करवा रहे हैं तो बेबी के ऊपर ना गिरे, तो उसके लिए आप ये कवर रहेगा, तो ये ज्यादा कपड़े भी नहीं गंदे होने देगा और ये सही रहेगा आई थिंक रखना, तो मैंने रख लिया अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग. सो ये 5ों मैंने बिब्स रख लिया. देन कैरी कॉट होता है, जो मैंने एक कैरी कॉट रखा है क्योंकि मेरा डिलीवरी जुलाई में है,
मुझे बहुत ज़्यादा मोटे कैरी कॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडा नहीं रहेगा. सो मैंने ये कैरी कॉट रखा है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. ये इसका कुशन बहुत अच्छा है. ये मैंने अमेजोन से मंगाया है और ये ऐसा दिखता है. ये आपको बेबी को कैरी करके घर लाने में या बेबी को कैरी करके हॉस्पिटल ले जाना हो बाद में भी तो आपको ये यूज़ आएगा. और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये आप ले सकते हैं. और अगर किसी के विंटर्स में डिलीवरी है तो वो थोड़ा मोटा कैरी कॉट ले सकते हैं. तो मैंने एक ही कैरी कॉट रखा है अपने हॉस्पिटल बैग में. और मैंने एक कॉटन ब्लैंकेट रखा है. जो कॉटन ब्लैंकेट ये है जो मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है, ये मैंने मंगाया है फर्स्ट क्राई से कॉटन ब्लैंकेट. सो दैट अगर डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी को फर्स्ट लेयर पहनाने के बाद, उसको कपड़े पहनाने के बाद ज़्यादा गर्म में नहीं रखना और थोड़ा ठंडे ब्लैंकेट में ऐसे रखना है, तो ये नॉर्मल 6 कॉटन लेयर्स का बना हुआ एक ब्लैंकेट है. इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, तो अभी के सीज़न के लिए ये अच्छा ब्लैंकेट है. सो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिया है, जहाँ से भी लिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे कि आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर वो सामान ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी सामान ढूंढने में. मैं नहीं चाहती कि सबको इतना मुश्किल हो. आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. और अगर आपको कोई उसमें फर्दर कुछ आपको लगता है, कोई क्वेरी है, तो फर्दर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं वहाँ पे कमेंट करके और भी बता सकती हूँ कि अगर कुछ इसमें इश्यू आ रहा है आपको तो. देन दीज आर द फाइनल थिंग्स जो बेबी का मैंने लिया है. बस ये एक डिस्चार्ज रेस्ट रह गया था, ये भी मैंने फर्स्ट ट्राई से लिया है. ये मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बता चुकी थी कि 4 रोम्पर्स हैं. ये वो रोम्पर्स हैं जो बिल्कुल नीचे से भी पैर कवर कर देते हैं, जिसके लिए आपको अलग से सॉक्स पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ये फुल हैंड्स और फुल लेग्स कवर करते हैं. ये मेरा सारा हॉस्पिटल बैग का शॉपिंग था जो मैंने आपको बताया. अगर इन केस आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि मुझे कि आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कुछ और पूछना चाहते हैं आप, प्रेगनेंसी रिलेटेड या कुछ और इश्यूज़ रिलेटेड, कि प्रेगनेंसी में क्या इश्यूज़ हैं, एनीवेज़ वो वीडियोज़ मैं अभी बनाना स्टार्ट कर दूंगी और मैं पोस्ट करती रहूंगी, ताकि जिनको भी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में है या एंड में है, जिनको जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको उस चीज़ में वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको ये हैप्पीनेस मिली है तो आपको थोड़ा सा पेन और थोड़ा सा सफरिंग, ये सब एक टाइम में वैनिश हो जाएगा, बट आपको एक हैप्पीनेस लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी. दिस इज इट गाइस. अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.